शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज आपको पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में आगे की स्टेजेस के बारे में मैं बताऊंगी। ये स्टेज है टीलियल स्टेज। गेहूं की फसल जब ग्रो हो रही होती है तो लेट इन ग्रोइंग सीजन में जिस सोरस में यूरिडोस्पोर्स डेवलप होते हैं उसी सोरस में एक और प्रकार के स्पोर्स डेवलप होने लगते हैं और इन स्पोर्स को टेलिटोस्पोर्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर यूरिडोस्पोर्स से भिन्न होता है। ये टेलिटोस्पोर्स बाईसेल्ड होते हैं और स्टॉक्ड भी होते हैं। ये टेलिटोस्पोर्स उसी यूरिडोसोरस में डेवलप होना शुरू होते हैं जिसमें यूरिडोस्पोर्स डेवलप होते हैं। ये टेल्यूटोस्पोर्स डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं। जैसे जैसे ग्रोइंग सीजन एंड होने लगता है जिस यूरिडोसोरस में यूरिडोस्पोर्स डेवलप होते हैं उसी सोरस में टेल्यूटोस्पोर्स डेवलप होते हैं और फाइनली इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि यूरिडोस्पोर्स की संख्या बहुत कम हो जाती है और फाइनली उस सोरस में टेलिटोस्पोर्स ही दिखने लगते हैं। इस अवस्था में यूरिडोसोरस टेलिटोसोरस में परिवर्तित हो जाता है। ये टेलिटोस्पोर्स अपने ऊपर प्रेजेंट एपिडर्मिस पर प्रेशर एग्जर्ट करने लगते हैं जिससे कि शुरुआत में ये एपिडर्मिस कुछ उभरी हुई सी दिखने लगती है लेकिन फाइनली ये रप्चर हो जाती है। एपिडर्मिस के रप्चर होने से ब्लैक कलर के टेलिटोस्पोर्स एक्सपोज हो जाते हैं अर्थात दिखने लगते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये टेलिटोस्पोर्स हैं, ये बाईसेल्ड स्ट्रक्चर हैं और इनमें ये स्टॉक भी लगा हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्टॉक भी लगा हुआ है। ये टीलियल स्टेज परफेक्ट स्टेज मानी जाती है। यूरिडिनेल्स में इसी स्टेज को परफेक्ट स्टेज मानते हैं क्योंकि इन्हीं टेरेटोस्पोर्स में ही कैरियोगेमी एंड मियोसिस होता है। टीलियोस्पोर्स को और भी प्रकार के नाम दिए गए हैं जैसे कि टेल्यूटोस्पोर्स, विंटर स्पोर्स और ब्लैक रस्ट स्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स से अलग टेलिटोस्पोर्स एक परसिस्टेंट पेडिसिल पर डेवलप होते हैं और ये अपने डेवलप होने के तुरंत बाद जर्मिनेट नहीं होते हैं। मैचुरेशन पीरियड में ये टेलिटोस्पोर्स इन टेलिटोस्पोर्स के अंदर कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी दो न्यूक्लियाई के आपस में फ्यूज़ होने से होती है और इन दो न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने से डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। इसी अवस्था में ओवरविंटरिंग भी होती है और इस यूनी न्यूक्लिएट डिप्लॉयड कंडीशन में टेल्यूटोस्पोर्स ओवरविंटरिंग करते हैं और ये अवस्था डिप्लोफेज अवस्था होती है लाइफ साइकिल की। इन टेल्यूटोस्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो हैं हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फ्रीजिंग कंडीशन प्रायर टू जर्मिनेशन। द टेलिटोस्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू बेसिडियल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। इन टेलिटोस्पोर्स के जर्मिनेशन से नेक्स्ट स्टेज में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। तो देख लेते हैं अब बेसिडियोस्पोर स्टेज या बेसिडियल स्टेज। आफ्टर द रेस्टिंग पीरियड एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस द टेलिटोस्पोर्स जर्मिनेट इन सीच्यू टू प्रोड्यूस द बेसिडियल स्टेज इन द लाइफ साइकिल। टेलिटोस्पोर के रेस्टिंग पीरियड
बीत जाने के बाद फेवरेबल कंडीशंस में टेलेटोस्पोर जहाँ पर होते हैं वहीं पर जर्मिनेट करने लगते हैं, और इनके जर्मिनेशन से बेसिडियल स्टेज अवस्था आती है। इस बेसिडियल स्टेज अवस्था के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेसिडिया एंड बेसिडियोस्पोर्स का बनना। बेसिडियम इन पक्सिनिया इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, नेमली प्रो बेसिडियम और हाइपोबेसिडियम, सेकंड है एपिबेसिडियम और मेटाबेसिडियम, एंड थर्ड इज स्टेरिग्मा स्टिग्मा विच बियर द बेसिडियोस्पोर्स। ईच सेल ऑफ टेलेटोस्पोर कंटेनिंग अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेसिडियम और हाइपोबेसिडियम। टेलेटोस्पोर की प्रत्येक सेल जिसमें कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो प्रोबेसिडियम या हाइपोबेसिडियम को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक इस प्रत्येक एपिबेसिडियल सेल से नीचे की तरफ टेलेटोस्पोर की प्रत्येक सेल जिसमें कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक प्रोबेसिडियम या हाइपोबेसिडियम को रिप्रेजेंट करती है। इसकी प्रत्येक नीचे की तरफ उपस्थित एपिबेसिडियल सेल से एक छोटी नैरो ट्यूब निकलती है जिसको कि स्टेरिग्मा कहते हैं। ये स्टेरिग्मा अपर सेल के सेप्टम के जस्ट बिलो पोजीशन पर अराइज होता है और टर्मिनल सेल से बिल्कुल एपिकल पोजीशन से स्टेरिग्मा अराइज होता है। फ्री टिप ऑफ स्टेरिग्मा स्वेल्स टू फॉर्म ए बेसिडियोस्पोर। इसी स्टेरिग्मा के फ्री टिप पर एक स्वेलिंग बनने लगती है और ये स्वेलिंग में एक न्यूक्लियस का माइग्रेशन होता है और ये स्वेलिंग ही बेसिडियोस्पोर बनाती है। मीनवाइल द हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्रॉम ईच बेसिडियल सेल पासेस अप इट्स रेस्पेक्टिव स्टेरिग्मा इनटू द डेवलपिंग बेसिडियोस्पोर। जिस सेल से ये स्टेरिग्मा निकलता है उसी सेल से एक न्यूक्लियस इस स्टेरिग्मा में माइग्रेट हो जाता है और डेवलपिंग बेसिडियोर में पहुंच जाता है। एक प्रोबेसिडियम से चार सेल्स बनती हैं। टू आउट ऑफ द फोर बेसिडियो स्पोर्स ऑन ईच एपिबेसिडियम आर ऑफ प्लस स्ट्रेन एंड अदर टू ऑफ माइनस स्ट्रेन। चार सेल्स में से दो सेल्स में जो स्पोर्स बनते हैं वो प्लस स्ट्रेन के होते हैं और दो सेल से जो स्पोर्स बनते हैं वो माइनस स्ट्रेन के होते हैं। ये स्मॉल यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो ये एक वाटर ड्रॉपलेट मेथड से या स्पोर ड्रॉप मैकेनिज्म से डिस्चार्ज होते हैं और ये एक फोर्स से एयर में डिस्चार्ज होते हैं और एयर से डिस्चार्ज होने के बाद में ये हवा द्वारा ही किसी दूसरे अल्टरनेट होस्ट बारबेरी पर पहुंचाए जाते हैं। वहाँ पर पहुँच के ये बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स कुछ दिनों तक ही वायबल रहते हैं। ये बेसिडियोस्पोर वीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते और अगर इनको सूटेबल होस्ट नहीं मिलता है तो ये जल्दी ही पैरिश हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेलेटोस्पोर का जर्मिनेशन आपको दिखाया है। ये टेलेटोस्पोर्स हैं। ये भी टेलेटोस्पोर्स हैं और ये टेलेटोस्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं।
ये जर्मिनेट कर रहा है, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ही एपिबेसीडियम कहलाता है, ये स्ट्रक्चर ही एपिबेसीडियम कहलाता है। और इसमें जो ये न्यूक्लियाई माइग्रेट हुए हैं, इसमें ये देखिए ये दो तो हैं प्लस स्ट्रेन के और ये दो हैं माइनस स्ट्रेन के, यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से होंगे। और प्रत्येक सेल के में जो सेप्टम होता है, इस सेप्टम के पास से ही एक छोटी आउटग्रोथ निकलती है और इस आउटग्रोथ के सिरे पर ही ये बेसिडियोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो ये एक प्रोबेसिडियम से चार सेल्स बनती हैं और चार ही स्टिग्मा और चार ही बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन होता है। ये इस प्रकार से टेलिटोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद में स्टिग्मा के थ्रू बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन होता है। अब जब बेसिडियोस्पोर बनने लगते हैं तो ये बेसिडियोस्पोर टेलिटोस्पोर में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसके मियोसिस के बाद में बनते हैं। तो मियोसिस होने से ये प्रत्येक डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में बदल जाता है और इसीलिए ये चार संख्या में होते हैं। तो रिजल्टिंग जो न्यूक्लियस हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो अब जो है वो हैप्लोफेज चालू हो जाता है। ये देखिए हैप्लोफेज इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। ये पक्सीनिया की लाइफ साइकिल जो हैप्लोफेज है, इट इज़ कन्फाइंड टू द ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरी। हैप्लोफेज बारबेरी झाड़ी पर ही कन्फाइंड होती है। ये हैप्लोफेज बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है। हैप्लोफेज में प्राइमरी माइसीलियम या हैप्लोमाइसीलियम प्रेजेंट होता है एंड आगे की दो स्पोर स्टेजेस भी प्रेजेंट होती हैं। ये दो स्पोर स्टेजेस हैं स्पर्मोगोनियल या पिकनिडियल एंड एसिडियल स्टेजेस। तो पहले देख लेते हैं हैप्लोमाइसीलियम। हैप्लोमाइसीलियम बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट्स ऑन द लीफ ऑफ द ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरी प्रोवाइडेड द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस आर सूटेबल। इट पुट्स आउट अ जर्म ट्यूब कॉल्ड प्राइमरी हाइफा। बेसिडियोस्पोर जो टेलिटोस्पोर से जर्मिनेट हुए थे, यहाँ पर ये जो बेसिडियोस्पोर बने थे ये हवा द्वारा दूसरे ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरी तक पहुँच जाते हैं। बारबेरी तक पहुंचने के बाद ये वहाँ पर जर्मिनेट करने लगते हैं अगर सूटेबल कंडीशंस होती हैं। सूटेबल कंडीशंस में मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट हैं। सूटेबल कंडीशन मिलने पर ये बेसिडियोस्पोर बारबेरी लीफ पर या स्टेम पर जर्मिनेट होने लगते हैं और इनसे निकलने वाला जो जर्म ट्यूब होती है वो प्राइमरी हाइफा कहलाती है। ये प्राइमरी हाइफा ग्रो करता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में फैलने लगता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंचने के लिए ये स्टोमेटा के थ्रू एंट्री लेता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंचने के बाद में ये हॉस्टोरिया डेवलप कर लेता है। ये हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करता है जो कि होस्ट सेल की टिश्यूज़ के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेने लगता है। एक ही प्लांट पर कई प्रकार से अर्थ है प्लस एवं माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट हो सकते हैं और इस तरह से एक ही बारबेरी प्लांट पर कई प्रकार के प्लस और कई माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेशन के पश्चात इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो माइसीलियम फैलता है वो हॉस्टोरिया द्वारा न्यूट्रिशन लेता है और इस तरह से कई प्रकार के
हैप्लोमाइसीलिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स के, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन के, बारबेरी के टिश्यूज़ में डेवलप हो जाते हैं। ये प्लस एंड माइनस स्ट्रेन के जो हाइफा हैं ये पास पास भी डेवलप हो सकते हैं। ये दो प्रकार के माइसीलिया एकदम पास डेवलप होने के पश्चात भी एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि ये माइसीलिया काफ़ी समय तक हैप्लॉइड ही रहते हैं। इनमें फ्यूज़न बहुत लेटर अवस्था में होगा।